प्रिय छात्रों, पिछले दो वीडियो में हमने भारत के प्रादेशीकरण के बारे में अध्ययन शुरू किया था। उसमें हमने प्रदेश का अर्थ, परिभाषा, उनका आधार पढ़ा था कि किस तरह से हम प्रदेशों को विभाजित कर सकते हैं, उसमें मुख्य आधार कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात की थी। इसके बाद हमने प्रदेशों का पदानुक्रम पढ़ा था, जिसमें प्रदेशों को वृहद, मध्यम और लघु स्तरीय प्रदेशों में विभाजित किया था। इन तीनों प्रकार के प्रदेशों की प्रमुख विशेषताओं का हमने वर्णन किया था। इसके बाद हमने भारत को वृहद प्रदेशों में विभाजित करके अध्ययन किया था और भारत के चार प्रमुख वृहद प्रदेशों की बात की थी। छात्रों, आज हम उन्हीं वृहद प्रदेशों के अन्य मध्यम प्रदेशों और उसमें सम्मिलित छोटे प्रदेशों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने इन चार प्रदेशों, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और भारतीय तट और द्वीप समूह, इन चार वृहद प्रदेशों और इनके अभिलक्षणों के बारे में पढ़ा था और इनकी एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन किया था। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इन वृहद प्रदेशों में कौन कौन से मध्यम स्तर के प्रदेश सम्मिलित हैं, अर्थात भारत के संदर्भ में हमें इनका वर्गीकरण देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के विशाल मैदान, और इन विशाल मैदान के जो मध्यम प्रदेश हैं उनको हमने इस चार्ट के अनुसार विभाजित किया है। मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद आप इसको देख के समझ सकते हैं। जैसे मेसो प्रदेश अर्थात मध्यम प्रदेश में राजस्थान का मैदानी भाग, पंजाब का मैदान, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा का मैदान और असम घाटी, ये जो छह मुख्य प्रकार हैं ये मध्यम प्रदेश हैं। अब इस मध्यम प्रदेश के अंतर्गत जो छोटे प्रदेश हैं, जैसे राजस्थान का मैदान, इसको हमने मरुस्थली और राजस्थान बांगर इसमें विभाजित किया। पुनः इसमें लघु स्तरीय प्रदेशों में हमने देखा कि मरुस्थली के अंतर्गत जैसलमेर मरुस्थली, बाड़मेर मरुस्थली, बीकानेर चूरू, इन तीन छोटे छोटे प्रदेशों को बांटा। अब इसको आप किस तरह से बांट रहे हैं, जैसे हमने देखा पहला प्रदेश राजस्थान का मैदान, ये राजस्थान का मैदान अपने निकट के पंजाब मैदान से भिन्नता रखता है। इसी राजस्थान मैदान में भी कुछ भिन्नताएं हैं, इस आधार पर इसे दो मध्यम प्रदेशों में बांट दिया, एक मरुस्थली भाग और एक अर्धशुष्क मरुस्थली भाग। अब इन मरुस्थली और अर्धशुष्क में कौन कौन से भाग आते हैं, पहले में तो हमने देख लिया जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर चूरू, जबकि राजस्थान बांगर प्रदेश में घंगर, घग्गर का प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौर प्रदेश और लूनी प्रदेश। अब ये जो छोटे छोटे प्रदेश हैं ये एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं, तो इसी तरह से इन मध्यम प्रदेशों का विभाजन लघु स्तरीय प्रदेशों में किया गया। अब देखेंगे आप पंजाब का मैदान, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, उत्तरी पंजाब और दक्षिणी पंजाब। उत्तरी और दक्षिणी भागों में भी अंतर है, उत्तरी पंजाब के मैदान में चंडीगढ़, अपर बारी दोआब, जालंधर का मैदान और पंजाब मालवा का मैदान, दक्षिण में अंबाला, कुरुक्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के मैदान। तो इनमें जो धरातलीय भिन्नता है उसके आधार पर इन्हें छोटे छोटे भागों में विभक्त किया है। गंगा के मैदान के अंतर्गत तीन भाग कर दिए, ऊपरी, मध्य और निचली गंगा, और इन्हें फिर लघु स्तरीय प्रदेशों में बांट दिया, जैसे आप देखेंगे रुहेलखंड, अवध, अपर गंगा, यमुना का दोआब, ट्रांस यमुना और निचली गंगा। इसी तरह से गंगा, घाघरा, दोआब, दोआब का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, दो नदियों के बीच का भूभाग दोआब कहलाता है। मिथिला, कोसी का मैदान, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। निचली गंगा के अंतर्गत बंगाल का मैदानी भाग, डेल्टाई भाग और रार का मैदान इसमें शामिल है। इसी में छोटे प्रदेशों के अंतर्गत आप देखेंगे द्वार प्रदेश, तिस्ता, क्रियाशील डेल्टा, परिपक्व डेल्टा, मयूराक्षी डेल्टा, ये सब डेल्टाई भाग के अंतर्गत आ गएंगे। मयूराक्षी और बाकुंडा का उच्च मैदान और प्रदेश भी इसमें शामिल है।
असम घाटी के अंतर्गत ऊपरी और निचली घाटी, इसके अंतर्गत हम ऊपरी असम, दक्षिणी और दक्षिणी निम्न असम घाटी। तो इस तरह से हम विशाल मैदान के मध्यम प्रदेशों को 13 प्रथम क्रम के और 38 द्वितीय क्रम के प्रदेशों में बांटते थे। ये केवल मैंने आपको चार्ट समझाने की दृष्टि से बताया था कि एक प्रदेश जो भौगोलिक और सांस्कृतिक लक्षणों में समानता रखता है उसको हम एक वृहद प्रदेश कहते हैं। उस एक वृहद प्रदेश के अंतर्गत भी कई मध्यम स्तरीय और लघु स्तरीय प्रदेश हो सकते हैं जो छोटी छोटी लक्षणों के आधार पर विभाजित किए गए हैं। दूसरा हमारा वृहद प्रदेश था हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, और इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भी हमने लगभग ये मान सकते हैं कि 6 मध्यम प्रदेशों में बांट दिया। ये कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, कश्मीर प्रदेश, इसको भी उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट दिया, जिसमें जास्कर, लद्दाख, देवसाई, गिलगित, कश्मीर, जम्मू, मीरपुर, ये द्वितीय क्रम के प्रदेश उसमें शामिल किए। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत चंद्रभागा, रावी, व्यास, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं। उत्तराखंड, पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमाद्री, ऊपरी गंगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ, पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान का क्षेत्र, पूर्वांचल में उत्तरी पूर्वांचल और दक्षिणी पूर्वांचल। तो इस तरह से अपने प्रायद्वीपीय पठार का तीसरा जो भाग हम देखते हैं पठारी प्रदेश, इस पठारी प्रदेश को कई भागों में बांटा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी विभिन्नताएँ हैं, जैसे उदयपुर ग्वालियर का प्रदेश जो अरावली उच्च पर्वतीय प्रदेश है, इसके बाद मालवा का प्रदेश जिसमें उत्तरी और दक्षिणी मालवा का भाग है, इसमें नदियों के आधार पर अंतर दिखाई देगा, जैसे माही का बेसिन है, चंबल और बेतवा का बेसिन है, दक्षिण में विंध्याचल, नर्मदा और सतपुड़ा का क्षेत्र है, उत्तराखंड के अंतर्गत बुंदेलखंड का मैदानी भाग और उच्च भाग है, बुंदेलखंड में बीहड़ का क्षेत्र भी है और बुंदेलखंड उच्च भूमि में विंध्य पठारी, काली नदी और नीस प्रदेश जो चट्टानी क्षेत्र है वो शामिल है। इसी तरह से विंध्याचल बघेलखंड का प्रदेश, इसको भी दो भागों उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटा है जहां अलग अलग नदियों के घाटियां और प्रदेश शामिल हैं। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग में दामोदर और हजारीबाग हैं जबकि दक्षिणी भाग में रांची का पठार और सिंह भूमि का प्रदेश शामिल हैं। मेघालय मिक्कीर की पहाड़ियों में गारो प्रदेश, खांसी प्रदेश, जयंतिया प्रदेश ये सम्मिलित हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का मध्यम या मेसो प्रदेश जिसमें महाराष्ट्र सह्याद्री, ताप्ती, पूर्णा घाटी और महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश शामिल हैं। महाराष्ट्र के बाद अगला मध्यम प्रदेश छत्तीसगढ़ का आता है जिसमें विदर्भ का मैदान, बाढ़ प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग शामिल है, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य प्रदेश और कर्नाटक का पठार, ये अन्य मध्यम प्रकार के प्रदेश हैं। उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान भी इसमें आ गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का पठार और दक्षिणी सह्याद्री। तो इस तरह से इस विशाल प्रायद्वीप प्रदेश को कई मध्यम या उप मध्यम प्रदेशों के अंतर्गत, छोटे प्रदेशों के अंतर्गत विभाजित किया गया। कुछ नाम मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे बंगलोर का पठारी प्रदेश, कृष्णा घाटी, गोदावरी घाटी, रायल सीमा का पठार, नीलगिरी प्रदेश, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, कोयम्बटूर का उच्च प्रदेश। तो ये सब छोटे छोटे भौतिक प्रदेश हैं, या हम ये कह लें कि प्रदेश हैं जो अन्य निकट के क्षेत्रों से भिन्नता रखते हैं। चौथा, तटीय भाग और द्वीप समूह। इस तटीय भाग और द्वीप समूह वाले प्रदेश में हमने सबसे पहले गुजरात का पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेश देखा जिसमें काठियावाड़, भुज, अहमदाबाद और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र आता है। पश्चिमी तट के अंतर्गत कोंकण, कर्नाटक और मालाबार के तटीय भाग हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक दूसरे से इनमें भी सूक्ष्म अंतर दिखाई देता है। पूर्वी तटीय मैदान में तमिलनाडु, आंध्र और उत्कल के तटीय मैदान, तो इस तरह से इनको हमने विभाजित किया है। और द्वीपों में अरब सागरी द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप, इसमें भी हमने पहले इसका वर्गीकरण किया था जिसमें तट के निकटवर्ती द्वीप,
और तट से दूर स्थित द्वीपों का भी वर्णन किया था। अरब सागरी द्वीपों में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो इनके बारे में हमने चर्चा की थी। इन्हीं सभी प्रदेशों को डॉक्टर आर एल सी ने मानचित्र के द्वारा प्रस्तुत किया था और इन चारों मुख्य प्रदेशों के जो मध्यम प्रदेश हैं उनका इन्होंने यहाँ पर नंबर डाल करके दर्शाने का प्रयास किया है। जो उत्तरी भाग है वो हमारा पर्वतीय प्रदेश और उसके अंतर्गत शामिल मध्यम प्रदेश हैं। पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण के अंतर्गत विशाल मैदान और उस विशाल मैदान के मध्यम प्रदेश शामिल हैं। इन्हीं विशाल मैदानों के दक्षिण में तीन और सागरों से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय उच्च प्रदेश है और उसके अंतर्गत विभिन्न मध्यम स्तरीय और उसके उपविभाग सम्मिलित हैं और साथ ही दोनों तटीय प्रदेश और द्वीप समूह और उनके प्रमुख लघु स्तरीय प्रदेशों को सम्मिलित किया है। तो इस तरह से ये भारत के वृहद मध्यम और लघु स्तरीय प्रदेशों का वर्णन और इनकी विशेषताओं का अध्ययन है। छात्रों, अगला वीडियो हम बनाएंगे भारत के संसाधन प्रदेशों के बारे में। आज का टॉपिक और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।